नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में दोस्तों एक और अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है आर एफ सी एल लंबे समय से इसमें वैकेंसीज आने की उम्मीद थी आई टी वाले बच्चों के लिए नौकरी आ चुकी है दोस्तों इसका जो आप लोगों के लिए कॉरपोरेट ऑफिस है वो यूपी में है और नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यह टेम्पररी नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है यह है एक परमानेंट नौकरी है सिलेक्शन प्रोसेस वही आप लोगों का होगा सी बी टी बेस आप लोगों को करना पड़ेगा फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा फिर सी बी टी वन के बेस पे आप लोगों की जो है यहाँ पर मेरिट बनेगी नौकरी अच्छी है एक जो बुरी चीज़ है यहाँ पर मुझे वो देखने को मिली अभी आपने देखा होगा सेल में आप लोगों के लिए नौकरी आई आप लोगों के लिए बी डी एल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी आई इसके अलावा सेल की एक और यूनिट की आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को वैकेंसीज़ देखने को मिली आई टी की बात कर रहा हूँ मैं लेकिन जो वैकेंसीज़ का काउंट है ना वो बच्चों को ठीक तरीके से संतुष्ट नहीं करता इसी बच वज इसी वजह से जो है परेशान यहाँ पर जो है बच्चा होता है और इसके अलावा कुछ ट्रेड ऐसी हैं जैसे स्पेशली कोपा शीट मेटल वर्कर मेसन हो गई कारपेंटर हो गई प्लम्बर हो गई इन ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ आप लोगों को बहुत ही कम विभाग में देखने को मिलती है लास्टली जो वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है वो सी एस आई आर में आपको प्लम्बर कारपेंटर जैसी वैकेंसीज़ देखने को मिली अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आर एफ सी एल वैकेंसीज़ की पूरी जानकारी की कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ है सारा आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले जो अटेंडेंट जे आर मकैनिकल की वैकेंसीज है इसमें फिटर वाले डीजल मकैनिक उसके बाद मकैनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ये एक अलग ही ट्रेड होती है आर एन ए सी वाले मत सोचना कि ये आर एन ए सी की ट्रेड है इसमें आप लोगों की फिटर की बात करें तो टोटल दस पोस्ट है सेग्रीगेशन आप लोग देख लें कितनी कितनी वैकेंसीज़ आप लोगों के सामने हैं इसके अलावा कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी एस टी में तो हमारे लिए वैकेंसीज नहीं है तो भैया एस टी वाले बच्चे यू आर में जाके अप्लाई करेंगे तब जाके आपका काम हो पाएगा उसके बाद डीजल मकैनिक तीन वैकेंसीज़ है डीजल मैकेनिक की टोटल काउंट यहाँ पर तीन ही दे रखा है उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एम आर एम एच वी की इसमें दो वैकेंसी है यू आर कैटेगरी में अगर हम आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ध्यान रखना जो बच्चे यहाँ पर वायरमैन के वो अप्लाई नहीं करेंगे पंद्रह वैकेंसीज़ है इसमें इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड वाले बच्चे सिंपल अप्लाई करेंगे सेग्रीगेशन आप लोग वैकेंसीज़ का देख लीजिए उसके बाद एक चीज़ मैं और बता दूं फिटर का स्पेशल कंटेंट आप लोगों को हैंड रिटन का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टनर मशीन स्टीडी आप प्लीज उसे रेफर कर लेना सो दैट आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए एग्जाम में थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोगों की दो कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंटेशन डाला हुआ है एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और एक आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक तो ये आई की दोनों अलग अलग ट्रेड होती है इसमें चार वैकेंसीज है सेग्रीगेशन आप लोग देख लें इसमें आप लोगों की पांच वैकेंसी सेग्रीगेशन आप लोग देख लें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एक, एक ऐसी ट्रेड है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम देखने को आप लोगों को मिलता है तो अगर चार वैकेंसीज है तो जो पढ़ने वाला बच्चा है आसानी से जो है इस नौकरी को प्राप्त कर लेता है उनतालीस पोस्ट है अभी आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर भी नोटिफिकेशन दिखा दूंगा सो दैट आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये जो है फेक वैकेंसी है इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर मल्टीपल सिटीज़ में दे रखा है परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है आर जो है आप लोगों को पे स्केल जो देगा देगा वो आप पे स्केल देख सकते हैं कितना आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो कितना होगा कैसे होगा वो तो नौकरी के लगने के बाद ही आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चलता है अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अप्रेंटिस क्राइटेरिया नहीं है ठीक है सिंपल आप लोग जो है यहाँ पर आई के बेस पर अप्लाई करेंगे मैकेनिकल में फिटर डीजल मैकेनिक और ये ट्रेड मैंने बताई है आपको तो यहाँ पर फिटर डीजल मैकेनिक और इस ट्रेड में आई आपका कंप्लीट होना चाहिए टेंथ पास के साथ और यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो परसेंट है आई का साठ परसेंट आपका एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप जनरल ओ बी से हैं और अगर आप बिलोंग करते हैं एस सी एस से तो आपका जो है पचपन परसेंट में यहाँ पर काम होगा रही बात टेंथ क्लास में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो टेंथ पास का क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दे रखा एज की बात करें अट्ठारह से तीस साल एज का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है और बाकी जो ट्रेड है उसमें भी टेंथ प्लस आई की कंडीशन आप लोगों के लिए रखी हुई है उसके बाद अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट प्रोजेस दी अबव मैंशन इसेंशियल मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नो क्लेम ऑफ पोजेशन ऑफ़ इक्वेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कुछ बच्चे जो है वोकेशनल कोर्स कर लेते हैं या फिर कोई अन्य कोर्स कर लेते हैं तो वो आप लोगों का नहीं चलेगा सिर्फ आई आप लोगों का काम करेगा तो यहाँ पर जो है आई वाले बच्चे अप्लाई करेंगे रिलैक्सेशन जो मिलता है एस सी एस टी ओ बी को वो मिलेगा जो उनका सरकार ने रूल क्रिएट कर रखा है अगर बात करें इनकेस द कैंडिडेट इज नोट एबल टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री या फिर प्रूफ या फिर सर्टिफिकेट टू तो इफेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ द परसेंटेज मार्क्स दी परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड एज पर द टेबल गिवन बिलो एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एस्टैब्लिश अकॉर्डिंगली तो ये जो है आप लोगों की परसेंटेज का क्राइटेरिया इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है आप जानते हैं टेंथ क्लास का एग्ज़ाम कई जगहों पर सी जी पी ए बेस पर होता है तो उस बेस पर आप लोगों की जो है यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन करके चीज़ों को दिया हुआ है तो टेन पॉइंट स्केल में आप लोगों का जो अगर है अगर सिक्स पॉइंट फाइव है नाइन पॉइंट स्केल में फाइव पॉइंट फोर है एट पॉइंट एट पॉइंट स्केल में फोर पॉइंट एट है तो वो इस कैटेगरी में आएगा और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं जनरल और जो ओबीसी हैं वो इसमें आएंगे और जो एस सी वाले बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे और जो अन्य कैटेगरी है वो इसमें इस आएगी तो ये जो समझना है वो ज़रूरी है जो स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग वैसे मोस्टली दस में से आपको मिला होगा दस में से सिक्स पॉइंट फाइव है तो आप लोगों का सिक्सटी परसेंट बनेगा सिक्स पॉइंट फाइव से नीचे है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे और अगर आपका इस कैटेगरी में एस सी एस टी में फाइव पॉइंट नाइन है तो आपका फिफ्टी फाइव परसेंट बनेगा और बाकी जो स्केल है वो आप लोग देख सकते हैं आशा करता हूँ ये टेबल आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता देना मैं टेलीग्राम पे या फिर एक सेपरेट वीडियो शॉर्ट के माध्यम से आपके बना दूंगा उसके बाद कट ऑफ जो डेट है फॉर मीटिंग दी एज क्राइटेरिया एंड पोजेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन इकतीस एक दो हज़ार बेस के बेस पे आप लोगों की एज और जो है यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके बाद अगर हम बात करें नीचे जो और कंडीशन हैं सारी क्लियर करूंगा चिंता मत कीजिए एक एक करके आपको परेशानी नहीं होगी यह वीडियो देखने के बाद कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को उसके बाद अगर बात करें ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया है फ़ी की बात कर लेते हैं तो जो एस है हैं एस है उनका कोई पैसा नहीं लगना है पीडब्ल्यू डब्ल्यू का कोई पैसा नहीं एक्स सर्विसमैन का कोई पैसा नहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का कोई पैसा नहीं पैसा जो लगेगा वो जनरल ओ और ई का लगेगा वो भी दो सौ फीस उसके बाद स्टेप्स फॉर अप्लाइंग ये आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे अभी इसका फॉर्म चालू नहीं हुआ है आज ही चालू होगा लेकिन रात में आठ बजे के आसपास आपका चालू होगा तो बी स्टेट यून मैं आप लोगों को इसका लिंक जैसे ही चालू होगा इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में रात में आठ बजे के बाद उसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी इसमें होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा लेकिन सिलेक्शन की मेरिट जो बनेगी वो आपकी सी के बेस पर ही बनेगी इसमें क्या क्या चीज़ आएगी कितने नंबर का आपका पेपर होगा सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है अभी आपको दिखा दूंगा लेकिन अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को दूसरे स्टेट में जा भटकना नहीं पड़ेगा आपके एरिया का यहाँ पर जो है लोकेशन दे रखा है और जो है यहाँ पर आप लोग एक बार देख ले इसको अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल भुवनेश्वर चंडीगढ़ चेन्नई दिल्ली एन सी आर गुवाहाटी हैदराबाद इंदौर जबलपुर जयपुर जम्मू उसके बाद करीमनगर कोलकाता कुरनूल लखनऊ नागपुर मैंगलोर मुंबई पटना पुणे रायपुर रांची आप लोग का विजयवाड़ा विशाखापटनम और आपका वारंगल तो इस तरीके से जो आपको है आपको लोकेशन दे रखी है फॉर्म फिल करते टाइम में भी आपको लोकेशन चूज करने का ऑप्शन दिखे तो ये आप देख लेना जैसे आपने देखा होगा कई डिपार्टमेंट आपको जो है आप लोगों का ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें आप लोगों को सब कुछ अपने आप ही बी करना पड़ेगा उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसके दो पार्ट होंगे एक तो आपकी आई से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी और कुछ आपकी एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो अभी मैं नीचे दिखा दूंगा पेपर इसका दो लैंग्वेज में आप दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ड्यूरेशन की बात करें दो घंटे का आपका पेपर होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक होंगे ध्यान रखना एक सौ घंटे में आपको जो है एक सौ क्वेश्चन करने होंगे जिसमें सौ तो क्वेश्चन जो है आपके मिक्स होंगे कोर्स करिकुलम यानी आई आई की जो ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उसके और बाकी जो है आप लोग का बाकी का पार्ट पचास नंबर का होगा जिसमें जनरल इंग्लिश क्वांट होगी रीजनिंग होगी और आप लोगों की रीजनिंग के साथ जनरल नॉलेज और आप लोगों का आप ये अवेयरनेस ये आपको देखने को मिलेगी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी डेट ऑफ टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड तो डेट जो है आप लोगों को सी बी टी वन की कम्युनिकेट कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इसकी भी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा स्किल टेस्ट की बात करें तो जब आप सी बी टी दे दोगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा अभी हाल ही में आपने देखा होगा सी एस की नौकरी आई है उसमें पहले स्किल टेस्ट हो रहा है फिर आपका रिटर्न हो रहा है लेकिन इसमें आप लोगों का पहले रिटर्न होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा यही कंडीशन मोस्टली डिपार्टमेंट अपनाते हैं फाइनल सिलेक्शन में स्किल टेस्ट का कोई रोल नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन जो है आप लोगों का सी के बेस पर ही होगा स्किल टेस्ट जो होगा यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा जैसे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर करवाते हैं अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट वुड भी प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू सब्सिकुन वेरिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स काट पी डब्ल्यू डी उसके बाद ई यानी एक्सरविसमैन कैंडिडेट जो है यहाँ पर जितने भी लाइबल टू बी रिजेक्टेड इफ इट इज़ फाउंड दैट दियर डॉक्यूमेंट्स आर नोट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका सब कुछ ठीक हो गया आपने एग्जाम दे दिया लेकिन डी वी के टाइम पर गड़बड़ होती है तो डिपार्टमेंट जो है आपको बाहर कर सकता है उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है परमानेंट नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहीं पे मेंशन नहीं है और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं इनकी मेल आईडी पे उसके बाद डेट की बात करें तो डेट जो है यहाँ पर आप लोगों की चौबीस एक दो हज़ार चौबीस यानी आज से फॉर्म चालू होगा आठ बजे से और बाईस दो दो तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे तो भाई ये मेरी साइड से जानकारी थी जो आप लोगों की आर एफ सी एल की थी इसके लिए भी बच्चे वेट करते हैं इस, इसकी नौकरी का क्योंकि इसके एग्ज़ाम मल्टीपल सेंटर्स में होते हैं अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो भाई किसी को ऐसा ना लगे फेक वैकेंसी है तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपल लिखा हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव की आई टी ए होल्डर की वैकेंसीज़ है न्यू नोटिफिकेशन है फॉर्म जरूर फिल करना जिनकी जैसे डीजल मैकेनिक की ट्रेड बेचारे इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक है उनकी वैकेंसीज़ भी नहीं आती है तो उनको यहाँ पर मौका मिला है देखने का एक चीज अगर वैकेंसीज ये हज़ार कर देते ना लगभग तो बच्चे के मन में एक मुस्कुराहट आ जाती और जितनी वो मेहनत करता है ना उससे दुगनी मेहनत करने की यहाँ पर सोचता बच्चे को बस वैकेंसी से थोड़ी सी परेशानी होती है आई के लिए ऐसा नहीं है हर महीने आपने देखा होगा बल्कि हर हफ्ते ही आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ देखने को आपको मिली है लेकिन जो बच्चा परेशान रहता है वो काउंट को देखकर परेशान रहता है जिस दिन आई टी आई लेवल पर काउंट अच्छा आने लग जाएगा ना वैकेंसीज़ का आप यकीन नहीं करोगे आई टी आई में भी वही सेम चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो जजारूपन वो ईगरनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी जो अदर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है ठीक है आर एफ एल एक अच्छा डिपार्टमेंट है अच्छी नौकरी है आप लोग अप्लाई करें बाकी मैंने सारा क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है कुछ कंटेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है स्पेशली फिटर वाले बच्चों के लिए आप लोग हैंड रिटन नोट्स का सहारा ले लेना ताकि आप लोगों को अच्छा देखने को मिले एग्ज़ाम में क्योंकि वो नोट्स आप लोगों के ऐसे हैं जो मल्टीपल डिपार्टमेंट में आपकी मदद करते हैं और बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे ही रखा है जो टेस्ट सीरीज़ मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने आपको दे रखी है इसके अलावा आर एफ एल का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले इसकी भी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को लगवा दूँ मैं बोल दूँगा टाइपिस्ट मेरे जितने भी हैं सबको ताकि वो जो है आप लोगों के लिए टेस्ट बनाना शुरू कर दें अभी मैंने सेल के भी जो है डीजल मकैनिक के टेस्ट नहीं ऐड किए हैं तो बच्चे उसके लिए भी परेशान हैं उसका भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐड करके उसे ख़त्म करें पहले धन्यवाद जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे